बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी इंस्टेंट रवा इडली आज हम बनाएंगे कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट टिप्स के साथ कि अगर आप इसे पहली बार भी बना रहे हैं तब भी ये बिल्कुल परफेक्ट बनेगी सबसे पहले एक कढ़ाई में आप गरम करें ऑयल और ऑयल जब आपका गरम हो जाए तब आप इसमें डालें राई उड़द दाल और उसी के साथ रोस्टेड चना दाल अगर आपके पास रोस्टेड चना दाल नहीं है तो आप रेगुलर चना दाल भी डाल सकते हैं आप में से कुछ लोग पूछते हैं क्या मैंने इन दालों को सोक करके डाला है तो जी नहीं इनको भिगोया नहीं है मैंने मैंने डायरेक्टली इनको डाला है है इसी के साथ ऐड की बारीक कटी हुई अदरक और हरी मिर्च और हमें इसे भुनना है ताकि इसमें हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आए इसी के साथ अब हम इसमें डालेंगे रवा यानी कि सूजी आप इस रेसिपी के लिए मीडियम या फिर मोटी वाली सूजी यूज करें बारीक वाली सूजी हमें नहीं यूज़ करनी हम इसे भुनेंगे दो मिनट तक मीडियम से लो हीट पे आप इसे हाई हीट पे नहीं भुने क्योंकि हम नहीं चाहते इसका कलर डार्क हो जाए आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी या कंट्री से देख रहे हैं मुझे लिखकर ज़रूर बताएं इसी के साथ मैंने डाला है फ्रेश हरा धनिया तो जो आपको बाजार में रवा इडली का इंस्टेंट मिक्सचर मिलता है वो बिल्कुल यही होता है तो यहाँ आप देखें ये बिल्कुल हमारा अब बन के रेडी है इसको अब हम निकालेंगे एक बोल के अंदर और हम इसे कम्प्लीटली ठंडा होने देंगे जब तक ये ठंडा हो रहा है हम बनाएंगे इसके लिए एक मज़ेदार चटनी तो चटनी बनाने के लिए एक मिक्सर ग्राइंडर में डालें नारियल यहाँ मैंने फ्रेश वाला नारियल लिया है उसी के साथ हरी मिर्च लहसन अगर आप लहसन नहीं खाते तो स्किप कर दें अदरक इमली जीरा रॉ पीनट्स पीनट्स नहीं है तो आप रोस्टेड चना दाल भी डाल सकते हैं उसी के साथ मैंने डाला है हरा धनिया हरा धनिया आप हमेशा डंडियों के साथ डालें उसी के साथ ऐड करें नमक और पानी और हम इसे पीसेंगे फाइन होने तक रॉ पीनट्स हम इसलिए डालते हैं ताकि जो चटनी है वो हमारी थोड़ी थिक बने वो नहीं डालते तो कई बार जो हम चटनी बनाते हैं वो बहुत पतली हो जाती है तो बस अब इसमें आप थोड़ा सा पानी डालें और और बिल्कुल स्मूथ होने तक आप इसे पीसें तो यहाँ आप देखिए चटनी हमारी बिल्कुल बढ़िया लग रही है अब हम बनाएंगे इसके लिए एक मज़ेदार तड़का तड़के के लिए एक पैन में डालें ऑयल और ऑयल गर्म होने के बाद आप इसमें डालें राई उड़द दाल हींग और उसी के साथ ड्राइड रेड चिली इसको अब हम भुनेंगे कुछ सेकंड्स के लिए जब दाल में हल्का गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए आप इसमें डालें कड़ी पत्ता तो बस आपका मज़ेदार तड़का बन तैयार है आप इसे पोर करें चटनी पे तो लीजिए चटनी हमारी रेडी है अब हम बनाएंगे हमारी रवा इडली यहाँ आप देखिए ये जो हमारा मिक्सर है ये कम्प्लीटली ठंडा हो चुका है अब हम इसमें डालेंगे दही ये मैं थोड़ी खट्टी दही ले रही हूँ इससे टेस्ट बढ़िया आता है अगर मैं आपको रेशियो समझाऊँ ये बहुत ही ईजी है एक कप सूजी के लिए हमें एक कप दही चाहिए आप चाहें तो ये इडली बैटर का मिक्सचर बनाकर जो ड्राई वाला है आप इसे रेफ्रिजरेट भी कर सकते हैं पूरे तीन महीने तक और जब भी आपको इडली बनानी हो आप दही और पानी अलग से उसमें ऐड करके इडली बनाएं तो बस अब मैंने इसमें डाला है थोड़ा सा पानी और इसकी कंसिस्टेंसी जो हमें चाहिए वो बिल्कुल इडली जैसी चाहिए ना ज्यादा मोटी और ना ज़्यादा पतली तो तो आप देखें, ये मुझे थोड़ी सी थिक लग रही है तो मैं इसमें थोड़ा पानी और डालूंगी अगर आप थोड़ा ज्यादा भी डाल दें तो घबराए नहीं सूजी जनरली सारा पानी अब्जॉर्ब कर लेती है तो बस इसको मिक्स करके अभी हम 10 मिनट तक रेस्ट करने देंगे यहाँ आप देखें 10 मिनट रेस्ट करने के बाद सूजी ने पानी को अब्जॉर्ब कर लिया है और ये थोड़ा थिक हुआ है तो मैं इसमें थोड़ा सा पानी और डालूंगी पानी आपको कितना ऐड करना है ये इस पे भी डिपेंड करता है आपकी सूजी कितनी पतली या मोटी है तो वो आप ध्यान रखें जो बैटर की कंसिस्टेंसी है वो ना ज्यादा गाढ़ी हो ना ज्यादा पतली तो ये आप देखेंगे अब बिल्कुल परफेक्ट है अब हम इसमें डालेंगे नमक और उसी के साथ मैं डाल रही हूँ फ्रूट सॉल्ट अगर आपके पास फ्रूट सॉल्ट नहीं है तो आप यहाँ पे बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं हाफ टी स्पून तो इसको भी अब हम अच्छे से मिक्स करेंगे जनरली कई बार जब आप इडली बनाते हैं उसमें कुछ येलो पैचेस रह जाते हैं वो इसलिए क्योंकि जो आपका बेकिंग सोडा है वो अच्छे से मिक्स नहीं हुआ होता तो आप ध्यान रखें इसको आप अच्छे से मिक्स करें आप देखें हमारा बैटर फ्लफ़ी हो गया है तो ये अब बिल्कुल रेडी है यहाँ मैंने इडली मोल्ड में ऑलरेडी ऑयल लगा के अच्छे से इसे ग्रीस कर लिया है और अब मैं यहाँ रख रही हूँ काजू आप जब रेस्टोरेंट्स में खाते हैं तो ऐसी ही हमें मिलती है तो इसको अब आप अच्छे से फिल करें तो यहाँ कढ़ाई में हमने पानी गर्म कर लिया है और गर्म पानी के अंदर फिर हम डालेंगे हमारे मोल्ड और इसको हम मीडियम हीट पे कुक करेंगे दस से बारह मिनट आप ओवर कुक इसे नहीं करें तो यहाँ आप देखें हमारी इडली बहुत अच्छी लग रही है आप टूथपिक या फिर नाइस इसके अंदर इंसर्ट करें और ये बिल्कुल क्लीन बाहर निकलेगी अगर नहीं हो तो आप एक से दो मिनट इसे और कुक करें तो अब एक स्पून की हेल्प से आप इसे निकालें ये बहुत ही मजेदार सॉफ्ट एंड फ्लफी रवा इडलीज बनती हैं आप इसे जरूर बनाएं एम श्योर sure ये आपको बहुत पसंद आएगी अगर आपको आज की मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आपको रवा डोसा भी बहुत पसंद आएगा बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल क्रिस्पी डोसा बनता है उसका लिंक भी मैं यहाँ दूंगी आप वो भी जरूर चेक करें